हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी एज अ प्राइमरी लैंग्वेज सीटेट के लिए जनवरी 2021। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका हिंदी एज अ प्राइमरी लैंग्वेज, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ये होगा पार्ट 5 हिंदी, जिसके क्वेश्चन होंगे 91 से लेके 120। प्राइमरी लैंग्वेज को चूज़ करते हो, इसी तरीके से आप इसको सेकेंडरी लैंग्वेज के लिए भी चूज़ कर सकते हो, उसका पेपर अलग से होगा। माना जाता है कि प्राइमरी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में ऊपर होगा जबकि सेकेंडरी थोड़ा सा मॉडरेट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी जैसे कि हमने इंग्लिश में देखा था, यहाँ हिंदी में भी पैराग्राफ में से आंसर देने वाले कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नीचे दिए गए गद्य यानी कि पैराग्राफ गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से लेकर 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, मोस्ट प्रोबेबल आंसर। आगे बढ़ते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए, उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन शायद होंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है, इनमें से गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, किस चीज़ को अपना लक्ष्य नहीं बनाया? गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी। तो किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में गांधी जी ने कभी बात नहीं की, तो गुलामों से आज़ादी वुड बी द राइट आंसर, राइट। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा। तो इसका सही आंसर होगा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो ये सभी के प्रति उनका समान दृष्टि व व्यवहार था, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? सभी धर्मगुरु है, सभी सन्यासी है, सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया है। तो इट इज़ अ मानव कल्याण किया है इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भिन्न है मित्रता, मनुष्यता, मित्र, वीरता? तो यहाँ पे देखो ता 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 वाले पहला, दूसरा और चौथा है जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं। यहाँ पे मित्र है, इट इज अ फ्रेंड, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट वर्ड। हाँ, मित्र। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, सामान्य, समान, भिन्न, अलौकिक, तो समान दृष्टि का भाव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अपना पराया में समास है, ये एक्चुअली मैं हिंदी ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट ये द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते हैं। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? समाज, व्यवहार, बुद्धि या वंश? तो इसमें व्यवहार होगा, हाँ राइट, इट इज बिहेवियर।
शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति आंटी की बात नहीं कर रहे, शांति मीन्स पीस की बात कर रहे। वो स्वयं में ही मिल सकती है, अपने आप में ही मिल सकती है, कहीं और नहीं होती वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को, ये काव्य है, पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 100 से लेके 105 तक के सबसे उपयुक्त, सबसे सही वाले आंसर विकल्प चुनिए। आगे बढ़ते हैं। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बाट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस है। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आप सभी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो इसका आंसर है भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। देश आज रो रहा है, पंक्ति का क्या आशय है? देश में शांति का वातावरण है, अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है, तो अशांति का वातावरण है, इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। द्वेष का, द्वेष मतलब गुस्सा का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो रेज, तो रेज का शमन कैसे किया जा सकता है? प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा, शासन द्वारा, तो प्रेम द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पीयूष का विलोम शब्द, पीयूष का मतलब होता है जहर, तो जहर का ऑपोजिट, विलोम का मतलब होता है विरुद्धार्थी, ऑपोजिट वर्ड। तो क्षीर, क्षीर सागर जिसमें विष्णु जी सो रहे हैं, तो ये तो अमृत का सागर हो गया। नीर का, पानी को भी अमृत माना जा सकता है, अमृत तो अमृत है ही, विष। तो पीयूष का विलोम शब्द होता है विष, विलोम का मतलब होगा शायद, पीयूष का मतलब होता है अमृत, सॉरी, विष का मतलब होता है जहर, सॉरी माय मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेदन है भ्रष्टवत्ता आचार, तीसरा वुड बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, देश हित को भूलकर समस्त भेदभाव को दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर। तो ये होता है समस्त भेदभाव दूर करके, है ना? हमारे बहुत सारे भेदभाव है हमारे में, इंडिया इज अ पॉपुलरली नोन फॉर भेदभाव। कक्षा एक में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, अक्षर लिखने, चित्र बनाने, वाक्य लिखने, या शुरू चित्र बनाने से शुरू होता है। चलो, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? ये एक निश्चित क्रम से सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश, और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देता है। तो यहाँ पे परखने, जुड़ने, तादाम्य, जानने, जुड़ने, झूठने, सॉरी, जानने, जूझने, झूठने, परखने, जूझने, तादात्म्य, जानने, परखने, झूठने। तो इसमें सही आंसर होगा अपना परखने, झूठने और तादाम्य। इसको अगर फिर से मैं डाल के पढूं तो पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने, और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्कीनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो स्कीनर हमने इससे पहले भी देखा था, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए।
अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, या परिवार की जानकारी से? तो ये जुड़ा है चिंतन क्षमता के विस्तार से। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति, आलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, व्याकरण, समस्त भाषा? तो आप उसको देंगे सहज अभिव्यक्ति। इंटेलेक्चुअल है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। चलो, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, या रोचक कहानी? तो इसका होगा रोचक कहानी से आप शुरुआत करेंगे। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, किताब की जगह वो कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। अज्ञानता, स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन, या लापरवाही? तो पहली कक्षा में लापरवाही तो हो नहीं सकती, ये अज्ञानता स्ववर्तनी की वजह से वो लिख रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, या चौमेस्की? सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का, तो ये होगा वाइगोत्स्की। सही आंसर है। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जा सकता है। व्यावसायिक विद्वत, साहित्यिक, वैज्ञानिक? तो ये हो जाएगा विद्वत। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, या भाषा प्रयोग? तो ये होगा आपका भाषा प्रयोग। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग? तो मौखिक भाषा का आकलन सबसे ज्यादा विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। आगे बढ़ते हैं। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। सोचते, विचार, अनुभव, या महसूस? चिंतन, विचरण, या सोचते और महसूस? मोस्ट प्रोबेबली सोचते भी है और महसूस भी करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा सीखने या सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश उसका नाता ना टूटे। व्याकरण सीखने का, भाषा प्रयोग का, भाषा की परिभाषा का, व्याकरण रटने का, तो उस भाषा प्रयोग का उसका नाता नहीं टूटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह सरल है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। तो इसका सही आंसर है वह भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है। तो इसी के साथ हिंदी प्राइमरी लैंग्वेज के भी 120 क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। आपको मेरा काम अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक जरूर से करिए, दूसरे दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हिंदी या लैंग्वेज में अगर आपको कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ इसको एडजस्ट कीजिए, क्योंकि मैं लैंग्वेज टीचर नहीं हूँ, आई एम अ मैथ्स एंड साइंस टीचर, तो थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।